उसकी यानी नंदलाल बनर्जी की जीवन लीला समाप्त की जाएगी। प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या का बदला 300 यूरोपियनों की बलि देकर लिया जाएगा। प्रत्येक बंगाली के जीवन हरण का बदला लिया जाएगा। ये उस चिट्ठी में लिखी हुई थी और ये चिट्ठी छपी थी बिहार हेराल्ड में 23 मई 1908 के अंक में। और अब देखिए कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने उस दरोगा को यानी नंदलाल बनर्जी को मौत के घाट उतारा और जवाब दिया कि अब क्रांतिकारी भी पलटवार करेंगे। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। हम लोग इधर हाल के दिनों में अलीपुर षड्यंत्र केस, जो काफ़ी मशहूर रहा है और जहां से भारतीय क्रांतिकारी युग में महत्वपूर्ण चेंजिंग है, या कह लीजिए कि जहां से शुरुआत है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस केस के बारे में और भी बातें होंगी जो महत्वपूर्ण अगर कभी लगेंगी, या उसके बारे में सामग्री मिलेगी, लेकिन एक बात ज़रूरी थी जो मुझे लगा कि ज़रूर आप लोगों को जानना चाहिए, और वो बात ये थी कि प्रफुल्ल चाकी की शहादत के लिए जो दारोगा जिम्मेदार था, उसे क्रांतिकारियों ने कुछ ही महीने के भीतर मार डाला। दरअसल खुदीराम बोस वाला जब से ये कांड हुआ, उसके बाद बंगाल में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जान लेना और जान देना खेल हो गया। यूं सबसे अधिक चुनौती वहां अंग्रेजों के लिए पूरे देश में बंगाल में ही पेश की गई। और आज का किस्सा वही है, उस दरोगा को किस तरह से क्रांतिकारियों ने मारा, उसका जो हश्र हुआ उस पर। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम उन तमाम हृदयवान महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद की है। इसके साथ ही आप तमाम महानुभावों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमारे इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में, इस अभियान को जारी रखने में आर्थिक मदद दे करके सहयोग कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, इसके माध्यम से आप हमारे पास अपनी मदद भेज सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां भी जा करके इसे देख सकते हैं। नंदलाल बनर्जी उसका नाम था, यह आप लोग जानते होंगे। जब प्रफुल्ल चाकी की शहादत वाला किस्सा हमने आपसे शेयर किया था, उस पर वीडियो बनाया था, तो बताया था कि जब समस्तीपुर से मोकामा के लिए वो चले प्रफुल्ल चाकी, तो साथ में वो एक दरोगा नंदलाल बनर्जी नाम का उस पर बैठ गया। उसी गाड़ी पर वो दरोगा नंदलाल की ड्यूटी थी सिंहभूम में, और छुट्टियां बिताने वो आया हुआ था यहाँ बिहार में। उस समय झारखंड भी बिहार में ही था, और ये कह लीजिए कि मुजफ्फरपुर इलाके में आया हुआ था। समस्तीपुर में वो गाड़ी पर बैठा था। मुजफ्फरपुर कोर्ट में नंदलाल बनर्जी के दादा शिवचंद्र चटर्जी सरकारी वकील थे, और उन्हीं के यहाँ वो आया हुआ था। और जब वो लौट रहा था तो उसे फिर प्रफुल्ल चाकी उस गाड़ी में मिले और उसे संदेह हुआ। वो पूरी कहानी पहले वीडियो में बताई जा चुकी है। उसमें सिर्फ एक और चीज़ वहाँ पर जो उसने तार भेजा था, अति आवश्यक टेलीग्राम, उसमें से एक तार उसने अपने दादा के पास भी भेजा था मुजफ्फरपुर में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम विस्फोट किया था। उसके बाद एक को प्रफुल्ल चाकी शहीद हुए और खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए। खुदीराम बोस जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें लाया गया था पकड़ करके पहले यूरोपियन क्लब मुजफ्फरपुर में, और वहीं पर उस समय मुजफ्फरपुर का जो डीएम था वुडमैन ने उनसे पूछताछ की थी, सारा बयान लिया था। और जब वो ये सब कर रहा था तो लोगों की और भीड़ लगी, जिन्हें पता लगा कि इस तरह से वो लड़का पकड़ करके लाया गया है जो रात में बम फेंका था बग्घी पर, तो लोग पहुंचे थे जो खास लोग थे, उनमें एक शिवचंद्र चटर्जी भी थे, नंदलाल बनर्जी के दादा जो सरकारी वकील थे, और उनके पास भी तार यह आया कि एक संदिग्ध ट्रेन में यात्रा कर रहा है। आप बताइए कि क्या किया जाना चाहिए, क्या हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तो शिवचंद्र चटर्जी ने
डीएम से पूछा, डीएम ने इसकी अनुमति दे दी और फिर मोकामा स्टेशन पर ये सब कुछ हुआ। इन बातों को लिखा है, मुजफ्फरपुर में ही एक वकील थे और साथ में एक अखबार बंगाली के संवाददाता उपेंद्रनाथ सेन, तो वो उन्होंने अपना जो कुछ भी देखा और शिवचंद्र चटर्जी से जो कुछ भी सुना वो उन्होंने लिखा था। 23 मई 1908 के बिहार हेराल्ड के एक अंक में एक खबर छपी। उस खबर में ये था कि क्रांतिकारियों ने शिवचंद्र चटर्जी यानी नंदलाल बनर्जी के दादा, वो सरकारी वकील जिसके यहाँ ठहरा था, जहाँ छुट्टियाँ बिताने आया था नंदलाल बनर्जी, तो शिवचंद्र चटर्जी को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली, बेनामी चिट्ठी, किसने भेजी उस पर नाम नहीं था, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उसकी यानी नंदलाल बनर्जी की जीवन लीला समाप्त की जाएगी, प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या का बदला 300 यूरोपियनों की बलि देकर लिया जाएगा, प्रत्येक बंगाली के जीवन हरण का बदला लिया जाएगा। ये उस चिट्ठी में लिखी हुई थी और ये चिट्ठी छपी थी बिहार हेराल्ड में 23 मई 1908 के अंक में। और अब देखिए कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने उस दरोगा को यानी नंदलाल बनर्जी को मौत के घाट उतारा और जवाब दिया कि अब क्रांतिकारी भी पलटवार करेंगे। नंदलाल बनर्जी कोलकाता में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ 100/2 सरपेंटाइन लेन में ठहरा हुआ था। 9 नवंबर 1908 को वह शाम में 7:30 बजे चिट्ठी डालने के लिए डाक घर के लिए वहां से निकला, घर से, उस घर में जहां से वो ठहरा हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकला उसे 2 गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और 2 गोली उसे और मारी। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन कभी पता ये नहीं लग सका, पता नहीं चल सका कि आखिर नंदलाल बनर्जी को किसने मारा। लंबे समय तक ये एक रहस्य बना रहा। बहुत बाद में यह पता चला कि श्री चंद्र पाल ने मारा था नंदलाल बनर्जी को। टू ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरीज ये किताब का नाम है, इसे लिखा है इतिहासकार उमा मुखर्जी ने, और उस किताब में यह दर्ज है कि निर्धारित समय पर रनेन और नरेन यहाँ लिखा गया है, श्री चंद्र पाल का पुकारू नाम था, प्रचलित नाम था नरेन, तो नरेन यानी श्री चंद्र पाल ने और रनेन यानी रानेंद्रनाथ गांगुली ने दोनों घर से निकल पड़े जो फिक्स किया हुआ था कि इतना तारीख को उसको मार देना है, और पुराने शिव मंदिर के पास बादाम खाते हुए नंदलाल बनर्जी की प्रतीक्षा करने लगे। नंदलाल जैसे ही घर से निकला नरेन ने यानी श्रीचंद्र पाल ने सेंट जेम्स पार्क के दक्षिण पश्चिम कोने पर गोली मार दी शाम के 7 बजे। ये लिखा है उमा मुखर्जी ने। उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए 2 गोली फिर नजदीक जाकर के मारी और इसके बाद दोनों गायब हो गए। अंग्रेजी सरकार ने बहुत कोशिश की कि आखिर किसने मारा नंदलाल बनर्जी को, लेकिन वो कभी भी पता नहीं लगा सकी। ये बहुत बड़ा कांड हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी की शहादत के लिए जो जिम्मेदार दरोगा था उसे कुछ ही महीने के अंदर 1908 में ही मार डाला। मतलब 1 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी शहीद हुए और 9 नवंबर 1908 को क्रांतिकारियों ने नंदलाल बनर्जी को भी मार दिया। नंदलाल बनर्जी का किस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन छोटी सी एक और बात इसमें जोड़ देना जरूरी है। 27 जून 1908 के अंक में बिहार हेराल्ड में ही एक खबर छपी और खबर वो बताती है कि उस समय दरभंगा के महाराज थे रामेश्वर सिंह और उन्होंने बग्घी पर बम फेंके जाने की यानी क्रांतिकारी घटनाओं की निंदा की थी। इस पर क्रांतिकारियों ने उन्हें धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी और इसका परिणाम यह हुआ कि दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने अपनी शिमला यात्रा रद्द कर दी डर के मारे।
ये आप कहानी सुन रहे थे प्रफुल्ल चाकी की शहादत के जिम्मेदार दरोगा नंदलाल बनर्जी की हत्या का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।